खेलों की दुनिया में शहर की शहर ही नहीं, अब ग्रामीण इलाकों में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ऐसी ही प्रतिभा डीग जिले में देखने को मिल रही है, जहां डीग के गांव परमदरा की 13 साल की महिला पहलवान नैना गुर्जर ने अपने वजन में भरतपुर में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में राजस्थान केसरी का खिताब जीतकर जिले का नाम रोशन किया। तो वहीं कुम्हेर तहसील की कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली 13 वर्षीय शीतल पहलवान ने भरतपुर में किशोरी व्यायामशाला में आयोजित बालिका दंगल में भरतपुर केसरी का खिताब जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इससे पूर्व शीतल पहलवान ने स्टेट में 2 बार गोल्ड मेडल और नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इधर शीतल वर्तमान में हरियाणा के झज्जर में भूरिया कूच के अखाड़े में अभ्यास कर रही हैं। वहीं दोनों महिला पहलवानों का भव्य स्वागत सम्मान किया गया। केसरी बनी है भरतपुर में जो आज कुश्ती दंगल हुआ, कैसा महसूस करे जिला केसरी? बढ़िया। कुश्ती की प्रेरणा कहाँ से मिली? कुश्ती की प्रेरणा मैं मेरे दादा के साथ जाती थी दंगल में, और कोच साहब। कौन कोच थे आपके? वीरेंद्र कोच साहब, हरियाणा। यहाँ आकर के कैसा लगा ये कुश्ती दंगल? बढ़िया। क्या जीता है आज आपने जिला केसरी खिताब?